नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। आज हम लोग त्रिभुज की समरूपता पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोग सर्वांग समता पढ़े, आज समरूपता पढ़ेंगे। समरूपता पे कुछ प्रश्न करेंगे, फिर अगली वीडियो हम प्रमेय को लेकर के शुरू होंगे। तो आइए सिमिलरिटी जाने, फिर हम बात करते हैं आपके साथ। समरूपता, देखिए समरूप का मतलब होता है, समरूप का मतलब होता है समान रूप, या इसे हम यूं कहें तो हम ये कह सकते हैं कि समान आकृति, आकृति यानी शेप, समान आकृति यानी शेप। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हम आकृतियों की समरूपता नहीं, हम त्रिभुज की समरूपता पढ़ रहे हैं। तो हम जो भी बातें करेंगे कहाँ करेंगे? त्रिभुज की। अब आप ध्यान रखिए कि जो रूप का निर्धारण होता है ये होता है झुकाव के द्वारा। जिसे हम अगर ज्योमेट्री में बात करें तो हम कहेंगे कि किसके द्वारा? कोण के द्वारा। मैं एक छोटे से डायग्राम पे आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक चेहरा है, मानो फेस है, और आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए मान लीजिए कि ये एक मानव फेस है। अब आप इसे ध्यान से देखें तो इसकी एक निश्चित रूप से पहचान बन रही है। अब देखिए, मैं इसमें कुछ भी इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम, बल्कि इसके आकृति में परिवर्तन करेंगे। तो आप देखिए, इसका जितना लिप है मैं उतने भाग को मिटाया, और मैं इसके बनावट यानी झुकाव को हम चेंज कर दें तो आप देखिए इसका चेहरा बदल गया। कहने का आशय है कि किसी की पहचान इसी झुकाव, या हम इसे कोण के माध्यम से कहें कि कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं इतनी लंबाई को मिटाऊं और इतने में ही लिखता हूं, और अगर मैं ऐसे करूं तो आप देखिए इसकी उम्र भी बढ़ गई। तो आप इससे तो ये तय कर लिए कि जो आकृति का निर्धारण होता है वो किससे होता है? झुकाव के माध्यम से होता है। तो अब बात आई कि यहाँ पर हम इनके चेहरे से देखते हैं, लेकिन त्रिभुज में हम किससे देखेंगे? तो इसी बात को त्रिभुज में हम किससे तय करेंगे? कोण के माध्यम से तय करेंगे। चलिए, तो अब देखा जाए कि अगर मैं त्रिभुज की बात करूँ तो समरूपता त्रिभुज में कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत एक छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये, कि ये त्रिभुज है ए बी सी, और एक त्रिभुज हमने और ले लिया, और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। ध्यान रखिएगा कि इसके कोण की वैल्यू को अगर हम मान लेते हैं कि ये अल्फा है, इस कोण की वैल्यू को हम मान लेते हैं बीटा है, और इस कोण की वैल्यू को हम मान लेते हैं गामा है। उसी प्रकार से इसके भी कोण की वैल्यू को हम देखें, ये मान लो गामा है, और ये मान लो बीटा है, ये मान लो अल्फा है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर एक त्रिभुज के तीन अंतःकोण दूसरे त्रिभुज में तीन अंतःकोणों के कहीं न कहीं बराबर हो, जरूरी नहीं है कि ऊपर ऊपर ही बराबर हो, कहीं न कहीं बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अर्थात अब देखिए, यहाँ अल्फा है तो देखिए इसमें यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है तो देखिए यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है तो यहाँ गामा है। अब बात आती है कि अगर सिमिलरिटी हो गई तो इसको सही ढंग से लिखना कैसे, हम समरूपता के त्रिभुज को, समरूप त्रिभुज को हम कैसे लिखेंगे, ये भी प्रश्न बनता है और ये जानना बहुत जरूरी होगा। तो देखिए, पहले त्रिभुज को आप चाहे जैसे लिख दीजिए, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन जैसे ही दूसरे त्रिभुज को लिखने का आप प्रयास आप करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, रखना ये होगा कि आपने जिस शीर्ष को पहले लिखा है उसके बराबर जो इसमें शीर्ष कोण है वही पहले लिखा जाएगा। जैसे ए, ए अल्फा है तो इसमें अल्फा कौन है? क्यू है, इसलिए हम पहले लिखेंगे किसको? क्यू को। फिर देखिए इसमें कौन है? बी है, और बी गामा के बराबर है, और गामा इसमें आर है तो इसका क्रम आर का आएगा। अब इसके बाद आया सी, सी देखिए बीटा है, और बीटा इसमें पी है तो इसका क्रम किसका आएगा? पी का आएगा। यानी हम ए बी सी सिमिलर लिखेंगे क्यू आर पी। आप चाहें तो इधर का नाम बदल सकते हैं, अगर मैंने इसको
त्रिभुज बी सी ए लिख दिया तो इधर का भी नाम इसी के अनुसार बदलेगा। अब बताओ बी, बी का मान यहाँ गामा है, गामा यहाँ आर है इसलिए यहाँ पर आएगा आर। सी देखो सी बीटा है, बीटा यहाँ पी पर है इसलिए यहाँ पे आएगा पी। यहाँ ए और ए का मान देखो अल्फा है और अल्फा यहाँ क्यू पर है इसलिए यहाँ पर कौन आएगा क्यू। तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि हम जब सिमिलरिटी शो करते हैं तो हम लिखते कैसे हैं, और त्रिभुज की समरूपता को सही ढंग से लिखना ही समस्या का समाधान बन जाता है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। अब इसके बाद आता है कि इनकी संगत भुजाओं को कैसे लिखा जाए, संगत भुजाओं को कैसे लिखा जाए, करेस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी क्या होंगी वो देखिए कैसे होगा। तो उसे जरा सा आप ध्यान रखिएगा। मैं इस त्रिभुज की तीन भुजा को यहाँ लिख देता हूँ, ए बी बी सी ए सी। अब चलिए जरा यहाँ तक देखो, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, क्लियर है? चलो अब देखिए ये हो गया ए बी बी सी और ए सी। अब आप देखो ए बी, ए बी ये है और इसके सामने का कोण बीटा है, तो बीटा देखो यहाँ है और इसके सामने है क्यू आर, तो ए बी का संगत कौन हुआ, क्यू आर हुआ। यहाँ देखो बी सी, बी सी के सामने अल्फा है, अल्फा देखो यहाँ ये है और इसके सामने है कौन पी आर, ये संगत हुआ। इसके बाद आया ए सी, ए सी के सामने देखो गामा है, गामा देखो यहाँ है, गामा के सामने कौन है पी क्यू, ये संगत है। यानी संगत को भी हम कैसे पहचानेंगे उसे आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब इसी चीज को हम आपको थोड़ा सा जुगाड़ से निकालना बता रहे हैं, देखो कैसे लगाएंगे, यही चीज आप सीख लीजिएगा जुगाड़, और ये बहुत जल्दी जल्दी आपको संगत भुजाओं की पहचान करा देगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने सबसे पहले लिखा ए बी, और या तो आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। चलिए हम नीचे वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, हम किन्हीं भी त्रिभुज की समरूपता को ले लेंगे। तो चलिए मैंने इसको ले लिया। अब आप यहाँ देखो ए बी कौन कौन सा लेटर है, पहला है और तीसरा है, तो हम यहाँ से भी पहला और तीसरा उठा लें तो हो गया कौन आर क्यू या क्यू आर, मतलब ये क्यू हुआ। अब देखो बी सी, बी सी में कौन कौन है देखो, तो बी सी में यहाँ पर पहला है दूसरा है, तो हम यहाँ से भी उठा लें पहला और दूसरा, और ये हो गया आर पी, ये इसका संगत हुआ। अब देखो ए सी, ए सी, ए सी में देखिए आप कौन सा देख रहे हैं, दूसरा और तीसरा, और दूसरा और तीसरा देखो यहाँ से उठा लिए तो ये इसका कौन सा हो गया, सॉरी पी क्यू। ए सी का करिस्पॉन्डिंग साइड कौन हो गया पी क्यू। इस तरह से हम संगत भुजाओं को तलाशेंगे। यहाँ से आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं चित्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, केवल सिमिलरिटी को देख करके हम इनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स को निकाल लिए। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। अब देखिए समरूपता के वैसे तो कुल पांच प्रमेय हैं, और यही से हम आपको धीरे धीरे वापस लेके चलेंगे थ्योरम की ओर, लेकिन हम चूंकि आज कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे तो आज मैं केवल एक पॉइंट समरूपता का उठा ले रहा हूँ, और आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और लिख भी लीजिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या है वो ध्यान से देखिए। अभी हम आपको चित्र ना बना करके डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, और यहां मैंने दिया कि यदि त्रिभुज पी आर क्यू सिमिलर है त्रिभुज ए सी बी के, ए बी सी कर लेते हैं ए बी सी के, तब जरा देखिएगा कि इनकी जब हम करिस्पॉन्डिंग साइट खोजेंगे तो हम कैसे खोजेंगे संगत भुजाएं। देखिए अगर मैं पहले लिखूं पी आर, तो पी आर
की संगत कौन होगी? देखो यहाँ से पहला दूसरा लिए तो पहला दूसरा यहाँ से लेंगे, बोलो कौन होगी? ए बी। ये रेशियो बराबर होगा अगर मैं इधर से आर क्यू उठा लूँ, आर क्यू, तो बोलो दूसरा तीसरा फिर इधर से कौन होगा? बी सी। बराबर होगा अगर मैं यहाँ से पी क्यू उठा लूँ, तो बोलो इधर में कौन होगा? पी क्यू, तो इधर से होगा ए सी। तो ये आपको कहता है कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर है तो जो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका जो रेशियो होगा वो बोलो क्या होगा? बराबर होगा। तो इसी पर आज हम थोड़े से कुछ सवाल भी करेंगे और फिर हम यहीं से प्रमेय उठा करके आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रमेय संख्या एक होगा सिमिलरिटी का, जिसे अभी हमने यहाँ बताया क्योंकि हमें इसकी तुरंत ज़रूरत है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी एक प्रश्न लेते हैं। देखिए सवाल कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में आधार क्यू आर के समांतर रेखा खंड ए बी खींचा गया है। यदि पी क्यू बराबर 3 AQ तथा बी आर बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो वैल्यू पी बी क्या होगा? 3 सेमी 4 सेमी 6 सेमी 2 सेमी। आइए देखिए कैसे लगाते हैं प्रश्न को। ज्योमेट्री में ध्यान रखना बच्चों की पहले जैसे जैसे कमेंट किया है वैसे वैसे डायग्राम ड्रा कर लें। तो देखो ये हम एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। त्रिभुज कैसा होना चाहिए ये नहीं है इसलिए हम कुछ भी बना सकते हैं। अब चलिए देखिए ये त्रिभुज हो गया ABC। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा सॉरी PQR। अब यहाँ पर देखो लिखा है QR लिखते समय इसने लिखा है Q से R की ओर और यहाँ लिखा है AB यानी A से B की ओर। तो Q से R की ओर अगर ये है तो जब हम इसके पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो A यहाँ और B यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर हमने QR बोला तो ये BA हो गया नॉट AB। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? A यहाँ लिखेंगे, B यहाँ लिखेंगे। ध्यान रखिएगा सिमिलरिटी में इस सीक्वेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर ये गड़बड़ हुआ तो गलत लगेगा और जो आप लगाएंगे चार में से हो सकता है कोई ना कोई वहाँ भी इंतज़ार कर रहा हो जो आपसे गलती करा दे। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि QR और AB पैरेलल है। पैरेलल है तो आपको याद होगा कोड में मैंने पढ़ाया है कि अगर ये एंगल और ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो ये और ये इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग से और ये इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग से। और आप देख रहे हो कि कोण पी जो है वो इस त्रिभुज में भी कॉमन है और एक PQR में भी कॉमन है। तो इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सिमिलरिटी देखो हम कैसे लिखने जा रहे हैं। अगर सिमिलरिटी हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR सिमिलर होगा। अब बताओ बड़े वाले का पी छोटे वाले के पी के बराबर है, बड़े वाले का क्यू छोटे वाले के ए के बराबर है और बड़े वाले का आर इसके बी के बराबर है। ये सिमिलरिटी हमने लिख दी। अब आप यहाँ देखो क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर 3 AQ। पी क्यू देखो यहाँ से है और ए क्यू ये है। अगर मैं इसको एक मान लूँ, रेशियो में आप कुछ भी मान सकते हो, इसे अगर मैं एक मान लूँ तो बोलो पी क्यू टोटल 3 होगा जिसमें से ये बच गया कितना? 2। चलिए या आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं। अगर यहाँ XYZ PQR से लिखा है तो छोड़ो KMN कुछ भी मान सकते हो आप। और दूसरा देखो BR की वैल्यू दिया गया है बोलो कितना? 2 सेंटीमीटर। अभी हम थेल्स थ्योरम पढ़ाए, आपको अगर पढ़ाए होते तो उससे हम लगाते हैं, लेकिन अभी चलने दो, थेल्स थ्योरम आएगा तो वहाँ पर भी हम बताएंगे इसको लगाने का तरीका। और आपसे PB का मान पूछा है, चलो इसको हम X मान लेते हैं। उम्मीद करूं यहाँ पर मात्रक मैंने लिख दिया है क्योंकि यूनिट में दिया है, ये दोनों रेशियो है इसलिए कोई यूनिट नहीं रहेगा, यही यूनिट हमारे आंसर में आएगा। चलिए अब जरा ये बताइए कि अगर मैं इधर से PR ले लूं तो निश्चित है पहला तीसरा लिए थे इधर से भी हमें पहला और तीसरा लेना पड़ेगा PB बराबर। ध्यान रखिए इसका चुनाव करते समय हम उन भुजाओं को ही प्राथमिकता देते हैं जिनकी वैल्यू या रेशियो पता हो। इधर से अगर मैं PQ ले लूं, PQ देखो पहला दूसरा, तो इधर से हमें किसको लेना होगा? PA को लेना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो PR 2 ये x ये, तो बोलो कितना हो गया? 2 प्लस x
अपान पी बी निकालना है, एक्स बराबर पी क्यू, पी क्यू दो और एक तीन हो गया, और पी ए, पी ए का मान यहाँ कितना है, दो है, बस सॉल्व करिए आंसर है। चलिए ये हो गया 4 + 2x = 3x। अब देखो यहाँ से हो गया यक्स बराबर 4, यानी x का वैल्यू जो है आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखो ये यूनिट लेकर के है, इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी से नोट करिए, देखिए अगर इसी को हम थेल्स के प्रमेय से लगा रहे होते, हालांकि यहाँ पे अभी हमने आपको बताया नहीं है, आगे चल करके हम सिमिलरिटी में ही थेल्स थ्योरम बताएंगे, तो आप वहाँ से भी इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। चलिए देखिए हम इसको रेशियो ले लेते हैं, बाद में मात्रक छोड़ देंगे। देखिए थेल्स थ्योरम में कुल हम चल करके चार ऐसे सेट, उसको सेट करेंगे, फार्मूले निकालेंगे जो बहुत सरलतम ढंग से सवाल को सॉल्व करेगा। बस केवल आप यहाँ पे ध्यान रखो, एक शब्द याद रखो अंग्रेजी का, टिट फॉर टैट, यानी हम जैसा इधर वैसा इधर करें, बस हमारा अगला आंसर आ जाएगा। जैसे अगर इधर से मैं करूँ इतना बटे इतना, यानी 2/1, तो जैसा मैंने इधर किया वैसा इधर कर दे कि इतना बटे इतना, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लाइन पैरेलल हो तभी ऐसा करिएगा। तो बताओ हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यक्स अपान 2, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यक्स बराबर 4, लंबाई है तो जो मात्रक यहाँ पर दिया हुआ वही मात्रक इसके साथ आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से पी वी की वैल्यू कितना पा गए, 4 सेंटीमीटर। तो ये थेल्स का प्रमेय हम यूज करेंगे, अभी तो चूंकि कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, जैसे ही हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के एक्सरसाइज में आएंगे तो शॉर्ट तरीका बताएंगे सवालों को करने का, जैसे आप यहाँ पर देखें। आइए आगे बढ़ाएं आपको और अगले प्रश्न की ओर हम चलें, बल्कि थेल्स थ्योरम में आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लें, टिट फॉर टैट का रूल, जैसा हम उधर करें वैसा इधर करें, लेकिन ध्यान रखिए कि रेखा समांतर हो तभी ऐसा करिएगा। आइए एक प्रश्न हम और उठाते हैं, और सवाल यह है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है, ए बी भुजा पर एक बिंदु पी इस प्रकार है कि ए बी अनुपात पी बी बराबर 1:3, रेखा पी डी विकर्ण ए सी को क्यू पर काटती है, तो पी क्यू और की डी क्यू डी का रेशियो क्या होगा। चलिए देखिए सवाल जैसे कहा वैसे करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए कहा इसलिए हम एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। यहाँ से देखिएगा एक समांतर चतुर्भुज, नाम क्या दे रहा है, ए बी सी डी, ठीक, इसका क्षेत्रफल 54 वर्ग सेमी है, ए बी पर एक बिंदु पी इस प्रकार है कि ए बी और पी बी का रेशियो 1:3 है। चलिए हम यहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं और ये 1 है तो ये 3 है, ऐसा बोल रहा है। पी डी, पी डी यानी ये रेखा विकर्ण ए सी को Q पर काटती है, Q पर काटती है, तो हमें पी क्यू और क्यू डी का रेशियो निकालना है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर हम समरूपता का भी प्रयोग करने का प्रयास करें। आइए पहले समरूपता का ही प्रयोग करें, सर्वांग समता थोड़ा सा बड़ा होगा, उसको अभी हम छोड़ते हैं। देखिए आप इस त्रिभुज को देखिएगा, इस त्रिभुज को, और यहाँ से इसको देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ए बी रेखा और डी सी रेखा पैरेलल है तो ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर होगा, अल्टरनेटिंग एंगल के कारण, यानी एकांतर के कारण। यानी हमने ये देखा कि त्रिभुज ए क्यू पी, और या मैं चित्र पर ही समझा देता हूँ कि ये इसके बराबर हुआ। अब आगे देखो वही चीज यहाँ भी दिखाई दे रही है कि अगर ए बी रेखा और ये डी सी रेखा पैरेलल है तो जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा एकांतर के कारण, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए ये बराबर होगा। अब आप देखो ए बराबर सी के हो गया, पी बराबर डी के हो गया, और क्यू क्यू के बराबर है। अब सिमिलरिटी अगर मैं लिखूं तो मैं सिमिलरिटी लिखूंगा त्रिभुज ए क्यू पी, सिमिलर होगा त्रिभुज, बताओ छोटे वाले का ए बड़े वाले के किसके बराबर है, सी के, तो सी लिखेंगे, छोटे वाले का क्यू बड़े वाले के क्यू के बराबर है तो क्रम में क्यू लिखेंगे, यहाँ देखो छोटे वाले का पी बड़े वाले के डी के बराबर है तो हम यहाँ पर डी रखेंगे। अब
हमारा जो प्रश्न है पहले हम उसी को लिख लेते हैं। प्रश्न में क्या है, पी क्यू। पी क्यू देखो इधर से दूसरा और तीसरा केस है, तो हमने लिखा पी क्यू अनुपात। अब देखो यहां से ना, देखो केवल एक लिखो यहां से क्यू पी। अब यहां पर दूसरा तीसरा है तो दूसरा तीसरा यहां से भी होना चाहिए। और देखो वही पूछा है, अगर कुछ और पूछा होता तो प्रश्न नहीं लगता। तो देखिए यहां से हमारा आ गया बोलो क्या क्यू डी बराबर। अब हमने कहा है ना यहां लिखते समय हमें उनको लिखना है जो हमें पता हो। तो अब जरा ये बताओ कि अगर ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर इसकी वैल्यू चार है तो बताओ इसकी भी वैल्यू मिला के कितनी होगी, चार होगी। अब देखो, अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमें क्या दिया है। देखिए हमें यहाँ से ए पी दिया है ए पी यानी पहला तीसरा दिया है। तो अब देखो क्या यहाँ से भी पहला तीसरा मालूम है, सी डी बिल्कुल मालूम है, तो हम इसी का चुनाव कर लेंगे ए पी अपान सी डी। बस हल करेंगे हमारा आंसर होगा ए पी का मान बोलो क्या है एक और सी डी का मान क्या है चार, यानी हमारा आंसर हो गया एक अनुपात चार, अर्थात आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। चलिए जल्दी से करिए इसको। चलिए एक प्रश्न इसमें हम और देखते हैं कि दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 4 सेमी तथा 9 सेमी है, एक मेज पर एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। एक शंक्वाकार टोपी जो इन्हें ठीक ठीक ढकती है तो टोपी की ऊंचाई क्या होगी। प्यारे छात्रों यहाँ देखिए मैं एक मेंसुरेशन का सवाल उठाया हूँ और केवल ये आपको महसूस कराना उद्देश्य है कि समरूपता कितने काम की टॉपिक होगी, उसे आप गंभीरता से ले लें। देखिए जैसा कहा है वैसा ही मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास एक मेज है और इस पर दो गोले रखे गए, चूँकि शंक्वाकार टोपी है इसलिए बड़ा गोला नीचे होगा और छोटा गोला ऊपर होगा, ये देखिए। और इसे ठीक ठीक ढकने का मतलब है कि वह टोपी ने स्पर्श करते हुए ढक रही है, बिल्कुल ऐसे ढक रही है वह टोपी ने स्पर्श करते हुए ऐसे। और हमें निकालना है कि इस टोपी की हाइट क्या है, यानी अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे समझने का थोड़ा प्रयास आप लोग करेंगे। यानी हमें निकालना है ये पूरी लेंथ जिस पे हम इस समय पेन चला रहे हैं, ये लेंथ निकालना है। अच्छा आप ये बताओ कि अगर इसकी त्रिज्या 9 सेमी है तो निश्चित है कि व्यास 18 होगा, और अगर इसकी त्रिज्या 4 सेमी है तो निश्चित है कि व्यास 8 होगा। अब आप बताओ अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसकी वैल्यू को हम x मान लेते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इसके व्यास और x को ऐड करते टोपी की हाइट हमें मिल जाएगी। तो अब तलाश हम करते हैं इसकी। चलिए आइए कुछ नाम यहाँ लिख दें जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकें, ए बी सी डी ई मैंने ये नाम लिखा। अब जरा आप ये बताओ कि ये कोण तो 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, और ये 90 बनेगा ये स्पर्श बिंदु है, इसका मतलब हो गया कि ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है, ठीक है जी। ये रेखा और ये रेखा क्या है, पैरेलल है। अब आप ये बताओ कि अगर ये रेखा पैरेलल है तो ये संगत के कारण बराबर हो रहा है, यहाँ भी आप ले सकते हो, और ये कोण देखो कॉमन है, यानी ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज दोनों में कॉमन है। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, क्योंकि उन्हीं दोनों को जोड़कर 180 से क्या करना होता है, घटाना होता है। तब जरा यहाँ देखिए तो त्रिभुज डी ई ए सिमिलर होगा त्रिभुज बी सी ए के, बी सी ए के, ओके। अब चलिए जरा यहां से देखिए, अगर मैं यहां से डी ई ले लूं, डी ई तो पहला दूसरा तो बोलो उधर से किसको लिया, बी सी को बराबर। अब देखो अगर मैं यहाँ से डी ए ले लूँ, क्योंकि डी ए निकलता हुआ दिख रहा है, और इधर से देखो हमने क्या लिया, पहला और तीसरा, तो बोलो इधर से किसको लेना होगा, बी ए को। आइए चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं, डी ई 9, बी सी
चार, डी ए, देखो डी ए यहां से यहां तक है, बताओ ये त्रिज्या 9, ये व्यास 8, ये एक्स, 9, 8, 17 प्लस एक्स बटे बी ए, बी ए देखो यहां से यहां तक है, तो ये क्या हो गया रेडियस 4 और ये एक्स, यानी कितना लिख दिया 4 प्लस एक्स, सॉल्व करो एक्स की वैल्यू आएगा 9 चौक 36 प्लस 9x बराबर 17 चौक 68 प्लस 4x, इसको इधर की तरफ भेजो तो यहाँ हो गया 5x, इसको इधर की तरफ भेजो तो ये हो गया 32। अब बताइएगा वैल्यू आप x यहाँ से बोलो क्या आ गया 6.2 सेंटीमीटर। ये तो x की वैल्यू आई, अभी आपको निकालना है टोपी की ऊंचाई। अब बताओ टोपी की ऊंचाई यहां से यहां तक 18, पहले गोले का व्यास, फिर यहां से यहां तक 8, दूसरे का व्यास, और फिर यहां से यहां तक x, यानी 6.4। चलिए अब देखिए यहां से देखो 0.4, 8, 6, 14 और 8, 22, 2 और यहां से हो गया 3, यानी आपकी हाइट आ गई कितनी 32.4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे सॉल्व करिए। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि सर्वांग समता और समरूपता में संबंध क्या है, सर्वांग समता और समरूपता में संबंध क्या है। अब आप देखो कि अगर सर्वांगसम के सिंबल पर ही जाए तो देखिए ये है, और समरूप का सिंबल देखो ये होता है। अब आप देख रहे हो कि जब सर्वांगसम बनता है तो इसमें ये सिंबल है, अगर मैं इसको क्यों कहूं कि अगर मैं ये हटा दूं तो बताइएगा ये किसका सिंबल हो गया, समरूप का हो गया। और अगर इसमें से मैं इसको हटा दूं तो ये बराबर का हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो वो आपस में समरूप भी होंगे और क्षेत्रफल की दृष्टि से बराबर भी होंगे। और किसी सर्वांग, दो सर्वांगसम त्रिभुजों को जब एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो ये एक दूसरे को ठीक ठीक से ढक लेते हैं, अगर हम उनकी संगत पार्ट्स के अकॉर्डिंग उनको रखें तो। जबकि समरूपता में देखो केवल ये सिंबल होता है, तो ये भी पूछ प्रश्न दिख जाता है कि क्या सभी सर्वांगसम त्रिभुज सदैव समरूप होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि सर्वांगसम में ये चिन्ह निश्चित आ रहा है और ये सिमिलरिटी है, इसलिए सर्वांगसम हमेशा समरूप होंगे। लेकिन क्या समरूप सर्वांगसम होंगे तो ये निश्चित नहीं है, क्यों, क्योंकि जब तक ये बराबर भी नहीं होंगे तब तक सर्वांगसम नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना कि सर्वांगसम हमेशा समरूप होंगे और समरूप हमेशा सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। तो बात आती है कि अगर जरूरी नहीं है तो वो कौन सी कंडीशन है। अब बताओ समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो आप क्या है, जैसा आप वैसा चित्र आपका है, जितना बड़ा आप हैं उतना बड़ा चित्र भी बन रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिमिलरिटी भी है और इक्वलिटी भी है, तो जहाँ सिमिलर भी हो जाए और बराबर हो जाए वो सर्वांगसम हो जाता है। इसके अलावा कोई कंडीशन ऐसा नहीं बनता है जहाँ पर समरूप सर्वांगसम हो, लेकिन सर्वांगसम हमेशा समरूप होता है। चलिए ठीक है, आज इतना ही, कल हम त्रिभुज के कुछ और रूल्स को लेकर चलेंगे और यहीं से चलेंगे, हम समरूपता से ही चलेंगे लेकर के, और भी जो इसके तरीके हैं जो इसके नियम हैं पढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे लाभ हो रहा है, आप लोग कमेंट और भेजो ताकि हम आपके अनुसार और अच्छा कर सकें। ठीक है, ओके।